बस्ती में एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी, एएसपी दीपेंद्र नाथ चौधरी के निर्देश पर पुलिस ने लूटकांड का खुलासा किया। बस्ती कोतवाल विनय पाठक ने अधिवक्ता के घर पत्नी को बंधक बनाकर लूट करने वाले लुटेरे को गिरफ्तार किया। एसओजी टीम प्रभारी गजेंद्र प्रताप सिंह, स्वात टीम प्रभारी उमाशंकर तिवारी, सर्विलांस सेल प्रभारी शशिकांत की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया। बस्ती कोतवाल विनय पाठक ने अभियुक्त रामदेव यादव उर्फ प्रिंस राजेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने अभियुक्तों के पास से 9 सोने के जेवरात, 12,250 रुपए के मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त एक लोहे का संबल बरामद किया। अभियुक्त रामदेव यादव उर्फ प्रिंस के खिलाफ पहले से दर्ज हैं 3 मुकदमे। अभियुक्त राजेश उर्फ राजू के खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने अभियुक्तों को बस्ती जिले के कोतवाली थाना के अमहट पुल के पास से गिरफ्तार किया। 11 तारीख को थाना कोतवाली जनपद बस्ती में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक वकील साहब के घर पर 2 लोग घुसे थे और कुछ सामान चोरी कर गए थे और उनकी पत्नी को चोट भी पहुंचाई थी। उसमें टीमें लगाई गई थी, उसका आज अनावरण हो गया है। उसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, रामदेव यादव और राजेश पुत्र दुर्गा प्रसाद। ये दोनों, इसमें रामदेव इनके यहाँ पहले कुछ गाड़ी चला चुका है, तो वो उनके घर से परिचित था। उसको पता था कि घर अनलॉक रहता है और बाहर से कुंडी रहती है, इसलिए वो अंदर एक आदमी को राजेश को साथ में लेकर घर में घुस गया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।